जो मुख्यमंत्री लाड़की योजना निकाले, अपनी बहन ही सुरक्षित नहीं तो ये लाड़की योजना निकल के फायदा क्या? दो बच्चों की यौन शोषण के बाद महाराष्ट्र के बादलपुर में ये घटना देखने को मिली है। बादलपुर मुंबई के पास ठाणे जिले में पड़ता है, जहां गुस्साई भीड़ रेलवे स्टेशन पहुंची, मुंबई लोकल सेंट्रल लाइन को जाम कर दिया। लोग हजारों की संख्या में पहुंचे थे। आरोप है कि बादलपुर के एक स्कूल में सफाई कर्मचारी ने 3 से 4 साल की दो बच्चियों का यौन शोषण किया है। ये घटना 13 और 14 अगस्त की बताई जा रही है। गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि पीड़ित के परिवार वाले भटक रहे हैं, लेकिन इतने दिन बाद 16 अगस्त को FIR दर्ज की गई। गुस्साई भीड़ में शामिल लोग चाहते हैं कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, सजा दिए जाने में बिल्कुल देरी ना हो। FIR के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अच्छे स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा था स्कूल, इसीलिए भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि स्कूल की तरफ से बताया गया है कि घटना के दिन CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे थे। अब इस मामले में सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह स्पेशल IG आरती सिंह की अध्यक्षता में SIT टीम बना रही है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हैं, आज वो लड़की पीड़ित है, वो आदमी को फांसी देना वो जरूरी है। जो मुख्यमंत्री लाड़की योजना निकाले, अपनी बहन ही सुरक्षित नहीं तो ये लाड़की योजना निकल के फायदा क्या? अगर ये हम लोग सुबह से 6 बजे से आंदोलन कर रहे हैं, कोई आमदार नहीं आया, कोई नगर सेवक नहीं आया, इसका मतलब क्या है? खासदार इधर का खासदार अभी न्यू ये आया, तो उन लोग आ रहे क्यों नहीं? हमको न्याय मांगते हैं, हमको बाकी कुछ। साथ ही साथ सीनियर इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब कोलकाता के RG करार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना से पूरा देश गुस्से में है। बादलपुर रेलवे स्टेशन में जमा भीड़ को शांत कराने पहुंचे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश ने लोगों को न्याय दिलाने का फैसला किया है। गवर्नमेंट की तरफ से CM साहब ने कहा है, DCM साहब ने कहा है, देवेंद्र जी ने कहा है, शिंदे साहब ने कहा है, अजीत दादा ने भी कहा है कि इसके ऊपर SIT रखी गई है, इंक्वायरी होगी, फास्ट ट्रैक में भी ये लिया जाएगा। जो जो भी इसमें दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबको सजा होगी, क्योंकि ये घटना इतनी शर्मनाक है, इतनी गलत है कि इसका समर्थन या किसी को पीछे छुपाने का कोई सवाल ही नहीं आता। मेरी सबसे विनती है, सभी राजकीय दल जो है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई राजनीति मत लाइए आप। महिलाओं के पे अत्याचार हो, कोयता गैंग हो, आप देखिए क्राइम इस राज्य में बढ़ता जा रहा है और क्राइम की जिम्मेदारी किसी होम मिनिस्ट्री पे है। इस मामले में जिस तरह से कंप्लेन की गई, नहीं ली गई, स्कूल को बोला गया लेकिन उसका फॉलोअप नहीं किया, इस राज्य के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका इस्तीफा लेना चाहिए। राज्य सरकार ने इस मामले में एक SIT का निर्माण किया है, IG लेवल की महिला अधिकारी को SIT का प्रमुख बनाया गया है। हमारा यह प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें करने की बात कही है। हालांकि उनकी पार्टी बंगाल में CM ममता बनर्जी को लगातार इस्तीफा देने के लिए कह रही है। प्रदर्शन हो रहे थे तभी कोलकाता रेप मर्डर केस पर CGI DV चंद्रचूर ने कहा कि देश एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकता, जमीन पर जरूरी बदलाव दीजिए। बादलपुर रेलवे स्टेशन पर महिलाएं भी पहुंची, उनमें से एक महिला ने जो कहा है उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। पूर्ण भारत महिला नक्की सुरक्षित रहू शकती, 1500 रुपये देने पेक्षा है ना।